नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनरल नॉलेज के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उड़ीसा में एंड ऑप्शन डी असम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी असम में। तो दोस्तों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो असम में है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई एंड ऑप्शन डी 21 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4 जुलाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो भारत का जो राजचिन्ह है सत्यमेव जयते, उसमें जो प्रयुक्त होने वाले उपनिषद हैं, जो होने वाले जो शब्द हैं वो किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद एंड ऑप्शन डी होगा आपका यजुर्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। तो दोस्तों, जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है वो भी ऋग्वेद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी रोमन एंड ऑप्शन डी पार्शियन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए देवनागरी। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन चैनल है तो ग्रीन चैनल क्या है? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए डाक सेवा, ऑप्शन बी आकाशवाणी चैनल एंड ऑप्शन डी दूरदर्शन चैनल एंड ऑप्शन डी होगा आपका टेलीफोन सेवा। तो ग्रीन चैनल क्या है? तो दोस्तों, जो ग्रीन चैनल है वो एक डाक सेवा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डाक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी होगा आपका गुजरात एंड ऑप्शन डी है आपका सिंध। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंध। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। तो जय हिंद का जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये जो नारा है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद एंड ऑप्शन डी भगत सिंह।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए 1943 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1941 में या ऑप्शन डी 1940 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 के करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन ए 1943 में। तो ये थे दोस्तों 10 क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।